गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद कर दिया तुसे सारे ठीक ठाक होगे। आज फिर तो बहुत सारी इंक्वायरीज आई हुई ने। आज जड़ा साडा सैशन हैगा तुहाडे लोकां दे नाल गलबात करन दा टॉपिक हैगा साइबर क्राइम उत्ते। जिवें जिवें साडी टैक्नोलॉजी अगे वध रही है, सानू टैक्नोलॉजी की जरूरत है। विदाउट टैक्नोलॉजी असी प्रोग्रेस भी नहीं कर सकते। उस तरह साइबर क्राइम भी नाल नाल पैर वधाई जा रहे हैं। साइबर क्राइम भी एक एक स्टैप अगे वधी जा रहे हैं। साइबर क्राइम करके ही हुण अगर इहदे ते बहुत सारे लॉ कानून बने हुए ने, पर मोस्ट ऑफ दे लोगों नू इस इन कानूनों का नहीं पता, इन्हां दे प्रावधान का नहीं पता, कंप्लेंट्स कित्थे कर सकते हैं नहीं पता, किहड़े किहड़े एक्ट इहदे ते लागू हुंदे ने, बच्चों नू शायद नहीं पता। बहुत सारे इदां दे कानून बने हुए ने, पर सानू ध्यान देने की जरूरत है। पिछे लेटैसट जिहड़ा चंडीगढ़ च भी हादसा होया है साड़ी बच्चियां नाल, वह भी एक साइबर क्राइम। ध्यान रहिंदे टाइम समय रहिंदे साड़ियां कुड़ियां अवेयर हुंदियां ते असी शायद है हादसा ना हो पाता जिंदे उत्ते सिट बैठी हुई है, इंक्वायरी चल रही है, सानू भी रिपोर्ट का इंतजार है तुहाडे नाल नाल। ते अज असी गल करांगे कि इस क्राइम नू किस तरह रोकिया जा सकता है। लड़कियां मोस्ट ऑफ दी लड़कियां इस दे बारे च गल ही नहीं करना चाहुंदियां, पढ़ रही ने कॉलेजा च पर गल नहीं करना चाहदियाँ, उन्होंने नाल प्रॉब्लम्स हो रही ने, तुहानू भी नहीं पता लगता, पर हुण इस टाइम अवेयर होने की जरूरत है कि तुसी होस्टल च रह रही हो, कॉलेज पढ़ रही हो, जाने अनजाने च किसी स्ट्रेंजर नाल फेसबुक पर दोस्ती ना करो, किसी वट्सअप ग्रुप की या कुछ चैट का हिस्सा ना बनो जिंदे तुहानू कल नू प्रॉब्लम आए, या तुहाडी कोई तुसी किते पार्टी करन जा रहे हो, कोई स्ट्रेंजर तुहाडी फोटो खिंच रहा है, या किसी अनजाने लोगों के नाल तुसी होर भी तुहाडी पार्टी च कुछ स्ट्रेंजर्स हैगे ने, तुसी फोटो ना खिंचवाओ उन्हां दे नाल। ध्यान रखने की जरूरत है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर, क्योंकि जो हुण इस टाइम पर प्रॉब्लम्स हो रही ने, लड़कियां दे फोटोज़ नू अपलोड किया जा रहा है, इधर उधर कंप्लेंट्स आ रही ने, साडे कोल भी बहुत सारिया कंप्लेंट्स ने। मैं पिछली गवर्नमेंट च इहदे उत्ते कुछ लॉज दिल्ली च कुछ सीनियर एडवोकेट मेरे दोस्त ने बहुत अच्छे हाई कोर्ट च, ईवन पंजाब विच भी मैं असी कुछ ड्राफ्ट तैयार करके पिछली गवर्नमेंट नू मैं दिता सी साइबर क्राइम उत्ते ही, जो कि स्टेट अपने पद्धर ते लागू कर सकती सी। शायद वह होया हुंदा, इंप्लीमेंट होया हुंदा, ते अज शायद बहुत हद तक असी कंट्रोल पा सकते सी, जो फीमेल दे नाल नाल मेल नू भी प्रोटेक्ट करदा। मैनू नहीं पता कि ना कारना करके पिछली गवर्नमेंट ने उन्हू इंप्लीमेंट नहीं किया। बहुत सारे ऑफिसर्स दे नाल मीटिंग भी हुई सी और एप्रीशिएट भी किया गया सी गवर्नमेंट द्वारा, ऑफिसर्स द्वारा, पर आई डोंट नो कि क्यों नहीं सरकार ने किया। ईवन मैं चाहनी हाँ कि हुण मौजूदा सरकार भी अगर मिलन का समय देवे तो साइबर उत्ते बहुत जल्दी ही नवे कानून ले आने चाहिए ने, कि जिस तरह की हुण प्रॉब्लम्स हो रही ने साडे बच्चों टैक्नोलॉजी के नाल नाल इन्हां नूं प्रोटेक्ट करन की बहुत जरूरत है। पिछले वीक ही मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स नूं मिली तो उन्होंने नाल छुट्टियां बच्चियां सी, तो मैं बच्चों के नाल गल करना बहुत पसंद है कि उन्होंने फ्यूचर प्लैनस की ने। एक 12 साल की बच्ची मेरे नाल घुल मिल गई, तो बहुत ही एक नामी स्कूल पढ़ती है, तो उन्हें मैनू पूछा एक 4 अल्फाज की, जो कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज गर्ल्स स्टूडेंट्स कॉलेजा च लड़कियाँ 4 अक्षर्स का जोड़ा एक शब्द है यूज कर दिया ने। बड़ी मेरे को भी बड़िया सारिया कंप्लेंट्स ने, मुंडे आके या हसबेंड्स आके कहें कि साड़ी वाइफ ने सानू यह कह, तो वह 12 साल की बच्ची मैं पूछती है कि आंटी इनका की मतलब हुंदा है, तो मैं बड़ी मैं उन्होंने पूछा तैनू किन्ने कहा, तो उन्हें मैं दसिया कि स्कूल एक क्लास एक लड़के ने कहा, उन्हें ही क्लासमेट ने कहा, 12 साल के ही बच्चे ने उन्होंने बॉय ने कहा, तो पर मैं उन्होंने उनका मीनिंग बड़े प्यार नाल समझाया, उनकी थोड़ी जी काउंसलिंग की कि तुसी पढ़ लिख के एक बहुत वड्डा अफसर बनना, तो उन्होंने उनका तरीके नाल मतलब दसिया मैं, पर बच्ची समझ गई, बहुत सियानी सी, उन्हें मैंने कहा कि आप मम्मा से बात नहीं करोगे, पर क्योंकि उनके मम्मी पापा दोनों ही मेरे अच्छे फ्रेंड ने, उन्होंने दसिया गल की समझाया कि किस तरह थोड़ा जा बच्चों की तरफ भी जड़े स्कूल गोइंग भी बच्चे ने कॉन्वेंट स्कूल पढ़ते हैं, सानू ध्यान देने की जरूरत है कि साडे बच्चों के नाल स्कूल किसी एहोजी लैंग्वेज का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा जो अनमूनल अजकल लड़कियां कॉलेज गर्ल्स स्टूडेंट्स मुंडे तो करते ही करते हैं, कुड़ियां भी कर रही ने, मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स गाली कढ़न नू अपना स्टेटस सिंबल बना लेंदियां ने और जड़े इंग्लिश दे वर्ड्स यूज कर दियां ने, ते गलत है और ध्यान देने की जरूरत है साइबर क्राइम उत्ते। तुसी अज जिस तरह कंप्लेंट्स आ रही ने, लड़कियां नू भी अवेयर होने की जरूरत है और मेल्स नू भी अवेयर होने की जरूरत है। तो हुण साडे कोल कुछ क्वेश्चन आए हुए ने, तीन चार क्वेश्चन लाँगे। एक लड़की लिखती है
कि मैडम ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੋ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ दूसरी कंप्लेंट एक लेडी ने कंप्लेंट नहीं एक लेडी ने एक रिक्वेस्ट भेजी है वो अपने फीमेल दे हेल्थ इशू उत्ते वे मैं डॉक्टर तो नहीं हैगी पर मेरे को जो तुसी क्वारी मंगी है मेरे को जवाब हैगा क्योंकि ह्यूमन बॉडी ते मैं रिसर्च कर चुकी हाँ मेल और फीमेल की मैंटल हेल्थ भी किद्दा सफ़र करती है पर यह बड़ा ही परसनल तुसी एक पूछा है जवाब है पर असी इंदे ते एक सैशन करांगे डॉक्टर सोनिया रावत हैगे ने गंगा राम होस्पिटल दिल्ली दे डायरेक्टर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड ने कोविड च भी उन्होंने नाल एक सैशन किया सी ते असी इंदे ते जरूर सैशन करांगे जड़ा तुसी क्वारी पूछी है हुण टाइम नहीं रह गया चुप रहन दा ते इंदे ते जरूर असी एक सैशन करांगे दूसरा एक लड़की पूछती है कि मैडम क्या तुहाडे हस्बैंड वाइफ इज तुहाडे आर्गूमेंट सुनते ने बड़ा ही परसनल जिहा क्वेश्चन तुसी पूछिया यस क्यों नहीं होंगे मैं भी एक ह्यूमन हाँ वह भी एक ह्यूमन ने इनका मतलब यह नहीं है कि मैं कमीशन की चेयरपर्सन हाँ तो मेरे अपने हसबेंड आर्गूमेंट्स नहीं होंगे पर हाँ साढ़े गुलाटी खानदान पूरे खानदान साढ़े खानदान कोई भी मर्द औरत उच्ची आवाज भी गल नहीं करता शायद साढ़े फादर इन लॉ या साढ़े जिन्हें भी गुलाटी खानदान है नहीं गल करते पर हाँ आर्गूमेंट्स जरूर होंगे ने यह जी कोई गल नहीं है कि आर्गूमेंट्स नहीं पर बहुत घट साढ़े रेयर ही क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट वूमेन हाँ तो चीज़ा तो जिन चीज़ा तो हसबेंड वाइफ प्रॉब्लम्स होंदिया ने उनकी एक मेन कॉज है ही नहीं विच कि मैं इंडिपेंडेंट हाँ तो बहुत घट चीज़ा तो उन्होंने हेल्थ इशूज़ में लैके ही मेरे उन्होंने आर्गूमेंट्स होंगे ने होर कोई आर्गूमेंट्स नहीं होंगे हैप्पी मैरिड लाइफ है मेरी तो पर एक गल कहना चाहवागी सारी फीमेल्स वूमेन्स नू कि अज इंडिपेंडेंट होने पर गल हुई है जीवन बहुत छोटा है सारी जिन्हिया भी साड़िया बेटिया ने या लड़किया ने सारी फैमिलीज़ नू एक मैसेज देना चाहवागी अपनी बेटिया नू प्रायोरिटी रखो इंडिपेंडेंट बनाओ कि कोई भी किसी नू पुछ ना सके जज ना कर सके कि तुसी आर्गूमेंट्स होंगे ने या झगड़ा होंगे ने अज एक चेयरपर्सन नू किसी लड़की ने सवाल पूछा है तो उनका जवाब यही हो कि मेन रीज़न है मैं इंडिपेंडेंट हाँ मोहताज नहीं हाँ पर फिर भी फैमिलियर हाँ प्रायोरिटी फैमिली भी है पर मेरी अपनी आइडेंटिटी भी मेरी अपनी प्रायोरिटी है तो अपनी इंडिपेंडेंट बनो किसी की मोहताज ना बनो स्ट्रोंग बनो और हर पहली एब्यूज़ नू रोको और बिल्कुल भी डरो ना जे साइबर क्राइम या कुछ कोई प्रॉब्लम तुहाडे नाल हुंदी है इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन नू कंप्लेंट करो साडे नाल कॉन्टैक्ट करो थैंक यू जय हिंद